सबसे पहले लोग बिल्कुल नहीं पसंद करने वाला दो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई नहीं चाहता ऐसे बातें मैं सुनूं क्या सोचूं। क्या बात है मालूम? इब्रानियों 9:27 कोई नहीं चाहता है, लेकिन हमें उस बात के बारे में बोलने के लिए पहली बात कोई डर नहीं, दूसरी बात उसमें हमें आनंद है। ये उनके लोगों का एक खूबी है। और जो दुनिया के लोगों के बारे में बोला, दुनिया बिल्कुल ना चाहने वाला दो बात है, एक मृत्यु और एक न्याय। अब सबको मालूम है मृत्यु सबको जीवन में है ना, मृत्यु के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। थोड़ी देर पहले प्रभुदास वही बात बोल रहा था, मतलब बहुत लोग जीते जीते ये नहीं सोचता मुझे एक दिन मृत्यु आएगा। और जो कब आएगा किसी को मालूम नहीं, मनुष्य क्यों मरता है इसके बारे में भी बहुत लोग नहीं समझता, लेकिन प्रभु का जन ये सारे बात रूट में जानता है। प्रियो अलिया, कई लोग मतलब बोलता है कि मुझे मरना अच्छा है, लेकिन फिर भी मृत्यु नस्ती आएगा तो बोलता है अभी नहीं, बाद में। मतलब वो और भी जीना चाहता। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब मृत्यु कोई भी नहीं चाहता कि मुझे जल्दी मृत्यु मिले। हाँ, कई लोग कुछ निराशा में ऐसे कुछ समय में लोग बोलते हैं, अभी भी बहुत कम लोग है जबकि मृत्यु को स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि हम जीते जीते हमें इस मृत्यु के ऊपर विजय पाना है ना, इस मृत्यु के ऊपर विजय पाना है। आपको मालूम होगा, मतलब एक समय में एक व्यक्ति ने बोला, लोहा बोलेगा तो बहुत बलवान है। लोगों बोला, मतलब व्यक्ति ने बोला, लोहा तुम दुनिया में सबसे बलवान है। लोगों बोला, नहीं मैं बलवान नहीं, आग बलवान है। तो आग के पास गया, आग को पूछा, आग तुम बलवान है ना? तो आग ने बोला, नहीं पानी मेरे से बलवान है ना। तो पानी को पूछा, तुम बलवान है ना? तो पानी ने क्या बोला, अगर सूरज आएगा तो मैं उसमें वाप पहन करके निकल जाएगा, मैं सूरज बलवान है। सूरज के पास गया, सूरज आप बलवान है ना? सूरज बोला, कहा बलवान, मेरे रोशनी को बादल निकालता है। तो फिर बोला, बादल तू बलवान है ना? बादल ने बोला, क्या करूंगी, बादल पहाड़ जैसा पहाड़ खड़ा है तो मेरा रास्ता ही बदलना पड़ता, वो पहाड़ माना बलवान है। तो पहाड़ को जाके पूछा, तू बलवान है ना? पहाड़ ने बोला, नहीं है मनुष्य बलवान। हाँ, वो पहाड़ को क्या करता, इंसान पूरा तोड़ डालता है, पूरा पहाड़ को ये करता। मनुष्य को पूछा, मनुष्य तू बलवान है ना? मनुष्य ने बोला, नहीं मृत्यु बलवान है, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करेगा तो मृत्यु। मतलब आखिर में मृत्यु को पूछा, तुम बलवान है ना? मृत्यु बोला, नहीं मुझको भी हरा दिया, यीशु बलवान है। कौन बलवान है? प्रभु यीशु मसीह बलवान है। एक ही बलवान है, एक ही सर्वशक्तिमान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में जब जिन्होंने प्रभु यीशु को पाया उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पाया, देखा है ना। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। लोग मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता होगा, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में चर्चा करने में भी आनंद है, क्योंकि हमने योहन्ना 5:24 में लिखा है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया वो मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितना खुशी की बात है। प्रियो, एक बात जानना, कोई भी नाश होना प्रभु का इच्छा नहीं है ना। मानो सारा बाइबल का निचोड़ बोलेगा तो योहन्ना 3:16 है, पड़ेगा तो पिता परमेश्वर ने ये दुनिया में रहने वाले सबसे इतना बड़ा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। देखा, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे, विश्वास करने के लिए भी लोगों को नहीं होने दे रहा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने देता नहीं। देखा, वो नाश नहीं होगा, आनंद जीवन मिलेगा उसको, अनंत जीवन। प्रियो, विश्वास करना, देखो क्यों लोग विश्वास नहीं करता है ना। दूसरा गुरुदी 4:4 में लिखा है, ये जगत का ईश्वर शैतान है ना, उन अविश्वासियों का मन को अंदर कर दिया। यीशु समाचार सुनने के टाइम पर ये वचन प्रभु का वचन है, ये जैसा कहा था वैसा ही होने वाला है, ये बात उन लोगों को विश्वास करने नहीं देता, शैतान उनको भ्रम में डाल देता। प्रियो, कोई एक व्यक्ति भी नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सबके लिए आया और वो सबके लिए मरा है ना, वो उदार सबके लिए है।
और वो मुफ्त में है, सिर्फ विश्वास करने से मिलेगा। फिर भी लोग विश्वास करके स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, ये कितना दुखदायक बात है ना प्रियो। इवन विश्वासी हो अविश्वासी हो, एक दिन मरेगा, मरने के बाद खत्म हो गया नहीं है ना, मरने के बाद न्याय है प्रियो। अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है, हमारे जिंदगी का सारे बातों का हमें लेखा देना है। ये नहीं कि मर गया तो खत्म कहानी, ऐसा नहीं है ना प्रियो। हमें ये भी सच्चाई जानना है, हमें जिंदगी का सारे बातों का ना, लोग आज मतलब अपनी मनमानी में जीता है, उनको अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा। प्रियो प्रभु ने आपको इस दुनिया में मतलब बनाने के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है, ये उद्देश्य जानना। मैं आज बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए हमें बुलाने वाला महान प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है, वो इच्छा खास करके आपको मैं बताऊं, प्रभु की दृष्टि में सबसे मूल्यवान क्या चीज है, सबसे है प्रभु का दृष्टि में सबसे मूल्यवान बात क्या है, मंडली है, मंडली है, प्रेज द लॉर्ड है ना। प्रभु ने आदम को हाथ से बनाया, बाकी सृष्टियों को प्रभु ने मुंह से बनाया है ना, परंतु मंडली को बनाने के लिए प्रभु ने अपने एकलौता पुत्र दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मंडली प्रभु के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मंडली जीवन में आने के बाद आप एक हल्का बात नहीं जानना, आप एक मतलब ये जिंदगी को एकदम एक साधारण लेवल में नहीं सोचना है ना। और प्रभु के दिल में जो मूल्यवान और प्रिय है, हमारा भी दिल में होना चाहिए। प्रभु का दिल में सबसे मूल्यवान मंडली है, तो हमारा इधर बैठा हुआ सबका दिल में मंडली सबसे श्रेष्ठ रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रभु का मंडली है। किसका मंडली? प्रभु का मंडली है ना। हमें प्रभु ने मतलब यीशु मसीह ने मतलब परमेश्वर के लिए पिता के लिए प्रकाशित वाक्य 12:6 में हम लोग पढ़ता है, देखा पिता परमेश्वर के लिए, पिता परमेश्वर के लिए हमें याजक बनाया। मंडली परमेश्वर का मंडली है, मसीह की मंडली है ना। पहला कुरिंदी उसका 11 उसका 16 की भी पाठ लास्ट में, पहला कुरिंदी 11 का 16 की भी पाठ, परमेश्वर की कलीसिया कलीसिया किसका? परमेश्वर की कलीसिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु आज भी कलीसिया बनाता है प्रियो। कलीसिया जीवन सबसे श्रेष्ठ बात है। आज आपको मालूम है सब मतलब निचोड़ बोलेगा तो परमेश्वर का एक बातों का सबसे बड़ा निचोड़ बात था, सबसे बड़ा रहस्य रहस्य बात था मंडली। आज प्रभु ने वो बात को भी प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशित किया है। मंडली जीवन में आने के बाद में हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा जानने में उस इच्छा में बना रहने में प्रयास करना चाहिए है ना। आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार 5:48 में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहता है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। इसका मतलब हम लोग भी सिद्ध बनना, हम सिद्ध बन सकता है, हम परमेश्वर के जैसा अनेक बातों में नहीं बन सकता है ना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हम सर्वज्ञानी नहीं बन सकता। परमेश्वर सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी नहीं बन सकता। पर तो प्रभु मन सिद्ध बन सकता, हम प्रभु के जैसा प्रेम कर सकता, हम प्रभु के जैसा दयालु बन सकता। ये सब बहुत से जो गुण है, हम जैसा प्रभु का जैसा बन सकता है, उन बातों में हमें बनना। इसके लिए ये वचनों का सिखलाई है ना। मैं आपको बहुत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जीवन में एक ही बात का है, एक ही रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, वो प्रभु में रिश्ता है। दुनिया के रिश्ता सब कमर सा दिखाएगा बात को, और जो प्रभु में जो हमारे रिश्ता आनंददा का है, ये आनंददा का रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड, तो इसलिए प्रभु में आने के बाद में हम लोगों का विचारधारा में सब बातों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन अभी आपको मालूम हम लोग एकदम एंटरटेन में है, आखिरी समय में मंडली में कई प्रकार का मतलब गिरावट आने का बात है। इसलिए हम लोग मंडली के बारे में अभी जो सीखने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया, कई लोगों के अंदर उसके लिए प्रभु ने बोझ दिया। सच में मैं आपको बताता हूँ, ये प्रभु की ओर से है। प्रभु कुछ लोगों को और भी जागृत करके और भी विचित्र अनुभव में लाने के लिए चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। मंडली के मंडली जीवन को सही रीति में समझना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है अंत समय में वक्तों की अवस्था क्या रहेगा, आपको बहुत बार बताया वो बात है। दूसरा तिमोथी 3
एक से पांच तक का वजन, वहां पर 19 बात लिखा है, एक बार थोड़ा पढ़ करके इसे जाइए। क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अकृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ये व्यक्ति भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा प्रियो, ये बोलते ये अमर 19 बात लिखा है, बाद में गिनती करके देखना। मैं एक बार एक क्लास लिया था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मतलब ये सब बात विश्वासियों के जीवन में हो रहा है, विश्वासियों का घर में हो रहा है। विश्वासी कहलाने के बावजूद भी माँ बाप की बात नहीं मानता आज का बच्चा। बच्चे विश्वासी है लेकिन बात नहीं मानता, देखा कैसे क्या है ये बात। बात क्यों हो रहा है? ये अंध समय का, आखिरी समय का एक भयंकर चिन्ह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोग जानना बोलो भक्ति का वेष धारण करता है, वेश धारण वेश भक्ति है और जो ओरिजिनल भक्ति से बहुत दूर है ना। कितना बड़ा दुख की बात है। अगर मन में नए नियम की मंडली का सबसे पहला पाप क्या? नए नियम का मंडली का सबसे पहला पाप मतलब प्रेरितों का 5 अध्याय अनन्य और सभी का बात। भक्ति के वेश में उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। प्रेरितों का 5 अध्याय का 3 वचन आपको मालूम। तो सबसे बड़ी बात वो पूरा भाग पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भक्ति के रूप में हम लोग कोई भी अभिनय की बात आएगा तो वहां पर प्रभु को दुख है, प्रभु को बहुत दुख है। तो इसलिए एक सच्चा भक्त बनकर के जीना है तो उनका उद्धार होना चाहिए, उनका नया जन्म होना चाहिए, वो प्रभु के आत्मा पाया होना चाहिए और आत्मा में चलने वाला होना चाहिए ना। प्रभु को और प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देने वाला बनना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद हो। माता आज भी प्रभु ने कई नए लोगों को भी लाया, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रभु का वचन सच्चाई में जानना सीखना बहुत बड़ी बात है। अब ये क्लास मतलब लोगों को थोड़ा सा विशेष करके नए लोगों को थोड़ा समझने के लिए दिक्कत आएगा, तो भी उनको भी समझने लायक रीति में बोलने की कोशिश करेगा। तो हमने अभी तक मतलब 3 मंडलियों के बारे में, उनकी अवस्थाओं के बारे में प्रभु ने हमसे बात किया। कौन कौन सा मंडली? और 3 मंडली के बारे में हमने पिछले क्लास में समाप्त किया, अभी वापस उसमें नहीं जाना चाहता। आज हम लोग 4वां मंडली त्वेतरा मंडली के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज सीखेंगे, बहुत प्रार्थना के साथ। प्रियो वास्तव में मतलब जो व्यक्ति सही प्रकार भूख और प्यास के साथ है, प्रभु उनके साथ जरूर बात करेगा। यहां पर आया हुआ हरेक लोगों की अवस्था प्रभु जानता है ना, प्रभु उस अवस्था जान करके हमसे बोलेगा। इसलिए अरे के अंदर एक एक प्यास चाहिए, प्रभु आप मुझसे बोलना, मैं तेरी वाणी को मानने के लिए तैयार हूं, ऐसा एक समर्पण हार है तो पक्का प्रभु व्यक्ति से बात करेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे द्वितीय मंडली के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 18-29 तक का वचन। द्वितीय कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आपकी ज्वाला के समान और जिसके पांव पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इज़बेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दास को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखला कर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुएतेरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते,
यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। तो प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये मंडली के बारे में शायद आप लोगों ने भी कई बार पढ़ करके भी आया होगा। जो भी पढ़कर आया मैं कल बताया था, अब पढ़कर आएगा तो मैं और भी थोड़ा स्पीड में जा सकता है। तो आपको मालूम है तुयतहिरा नाम सुनते ही आपको एक व्यक्ति याद आया होगा, लुधिया। तुयतहिरा मंडली का सबसे पहला विश्वासिनी मतलब लुधिया है ना। जब मतलब मैकेडोनिया बुलाट आकर के जब पौलोस वहां पर जब गया, उस समय में बहुत से स्त्रियां नदी के किनारे में वचन सुनने के लिए बैठा, लेकिन एक व्यक्ति का दिल प्रभु ने खोला। वहां पर हम मतलब प्रेरितों काम में पढ़ता है, प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय उसका 14 पद वचन। लुधिया नामक तुयतहिरा नगर की बेटी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समझ, बस अभी आप देखिए, एक व्यक्ति प्रभु का वचन को चित्त लगा करके सुनने के लिए भी क्या चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। आज प्रभु का मतलब बहुत लोग प्रभु का भक्ति में आता है, प्रभु का भजन सुनता है, परंतु वो चित्त नहीं लगा पाता। चित्त लगाना, चित्त लगा करके सुनना। आप लोग जब चित्त नहीं लगाता है ना, तब मुझे मन पड़ता, तब मुझे बोझ होता। क्यों मुझे बोझ होता ए? मैं ये सोचता हूँ क्योंकि आपको ये बात प्रभु से पा करके जो दे रहा है, उस समय में आप चित्त लगा करके नहीं सुनेगा तो ओ दिन भर मेरे को फोन में डांट रहा था, ऐसा सोचते रहेगा तो सुन बस इतना गया मतलब ओ 6 घंटा बाइक प्रेस रोड। कई बार ऐसे होता है, कई बार वो जो गट गया ऐसे कुछ बातों के पीछे कोई बोलेगा मम्मी ने डांटा था, नहीं जो ऑफिस में उसने डांटा था, इधर ही बैठने के टाइम पर उनका चिंता को वो कितना भयंकर बात है ना। प्रभु की उपस्थिति में आने वही एक डर और उसका जीवन में था। दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 3 वचन में और उसको मैं डरता हूँ क्यों, अभी देखो प्रभु का दास इतना महान दास है वो डरता है। वो डरपोक है क्या? नहीं, डर की आत्मा उसमें है क्या? नहीं। किस प्रति डरता? मंडली के प्रति। देखो मंडली के प्रति मैं क्यों इतना चिल्लाता, मैं क्यों आपको ये बात बोलता, मैं आपको बोलता हूँ भैया मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा बात मंडली है। मेरा जीवन का पूर्ण समर्पण मंडली के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मंडली की अवस्था में थोड़ा भी धीमा पर आएगा तो मेरे को जलन होता। उसका दूसरा वचन में लिखा है पौलुस बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। देखा ईश्वरीय धुन, हाँ कौन सा धुन? ईश्वरीय धुन। देखा क्या समझा? मुझे जलन है, जलन है बोलता है, मुझे जलन है। कौन सा जलन? ईश्वरीय जलन। हाँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंडली में एक भी व्यक्ति उदार पाए व्यक्ति पीछे ना रह जाए और वो मतलब विजय में अगर नहीं हुआ तो हमको वो दुखे ना, है ना। एक सच्चा विजय जीवन बिताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनेक लोगों का नाम लेकर के सवेर प्रार्थना करके जीवन की सहायता लोगों को पहुंचाता हूँ। इसलिए कहीं अभी कई बच्चों का नाम याद नहीं रहता है तो मैं लिस्ट लेकर के बैठता हूँ, है ना, क्योंकि मतलब हरेक का नाम कभी कभी याद भी नहीं आता है, तो उसलिए मैं लिस्ट लेकर के एक एक परिवार को वो लिस्ट के अनुसार प्रार्थना शुरू करता हूँ ताकि वो लोग उड़ने से पहले ही जीवन का सहायता मिले। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोचता हूँ प्रभु का दास पौलुस का ऐसा महान व्यक्ति था, उस 11 अध्याय का 28 वचन थोड़ा पढ़ना। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखा प्रभु का दास तो अभी मेरे को दास की मंडली के बारे में चिंता बहुत भारी है, तो उनको बहुत मंडलियों के बारे में चिंता है तो कितना टेंशन में होगा वो।
सही बात है ना, है सच्ची बात है। एक सच्चा दास को जो प्रभु ने नियुक्त किया है तो मंडली के प्रति बहुत बड़ा, इसलिए आपको मैं बताता हूँ प्रियो, आपको इस रीति में कोई भी ऐसा आपको मतलब प्रोत्साहन नहीं देगा, क्योंकि हमको जिम्मेवारी है, क्योंकि एक दिन लेखा देना है, प्रभु ने हमें दिया हुआ उनका लेखा देना पड़ेगा। हैं जब प्रेरितों का 20:28 में जब मानो फेयरवेल मीटिंग के टाइम पर एफेसस मंडली का मानो प्राचीनों को बुला करके जब पौलुस समझाता है उस समय में क्या बोला उसका 20:28, इसलिए अपनी और अपने झूठ की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा यीशु मसीह के लहू से मोल लिया बनोगे यदि बैठा हुआ है ना, उनको समय समय पर खिलाना पिलाना चलाना ये सब अगुआ का कर्तव्य है। प्रेसराउट है, ऐसा नहीं है उस जिम्मेवारी के साथ अगर नहीं चलेगा एक दिन हमें लेखा देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं पवित्र लोगों को बहुत विनती करता हूँ, पहली बात आप लोग ये भी सुनता है बहुत उत्साह से सुनना, ध्यान करके सुनना है। अगर ध्यान से नहीं सुनेगा तो अभी दुनिया का प्रभु ने मन को खोल दिया। प्रियो हमारे जीवन में यहाँ पर भी बैठने के टाइम पर प्रभु हमारा मन खोलेगा तभी वो ध्यान से सुन पाएगा, प्रभु का अनुग्रह रहेगा तभी हम समझ पाएगा। तेरा प्रभु का करुणा चाहिए, प्रभु का दया चाहिए। अभी यहाँ पर तुझे तेरा मंडली में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका 18 पढ़िएगा। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आपकी ज्वाला के समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान है वह यह कहता है। हाँ देखिए देखिए अभी यहाँ पर कहने वाला कौन है, यहाँ पर कहने वाला कौन है, परमेश्वर का पुत्र। अभी आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की अंग वर्णन करने वाला, मैं आपको बताया था हरेक मंडली को बजाने के समय में वो मंडली की अवस्था के अनुसार यीशु मसीह का एक अंग वर्णन को लेकर के बोलता है ना। अभी तो ये तेरा मंडली को बोलने के समय में यहाँ पर का प्रयोग में एक बड़ा फर्क आया, आप लोग ध्यान में आया कि बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ेगा तो फर्क दिखाई देगा। वापस 18 पढ़ना, परमेश्वर का पुत्र। अभी आप देखिए उसका पहला अध्याय का 14:15 में क्या लिखा, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आपकी ज्वाला के समान थी, उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे जो मानव भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अभी यहाँ पर किसके बारे में बोला, थोड़ा उसमें आपका 13 में और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र। हाँ देखा मनुष्य का पुत्र, देखिए वहां पर बताया मनुष्य का पुत्र, यहाँ पर मनुष्य पुत्र क्यों नहीं कहा, यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र बोला, क्योंकि हर जगह पर जब वो पहला अध्याय में यीशु मसीह का अंग वर्णन कहा वो अंग वर्णन को लेकर के ही मानव हर संदेश में बताया, और तो यहाँ पर बोलने के टाइम पर मनुष्य पुत्र करके नहीं बोला परमेश्वर का पुत्र कहा। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि मंडली ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके नहीं माना, तो ये तरह मंडली का अवस्था क्या हो गया है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया ये तरह मंडली का समय आ गया तो कंप्लीटली मतलब अंधकार आ गया है ना, मतलब उससे पहले ही जब मतलब पर्गमोस मंडली का लास्ट टाइम में क्या हुआ, कंप्लीटली दुनियादारी उनके अंदर घुस गया। अब देखिए उस समय में उसके कंटिन्यूशन में आने वाला तो ये तरह मंडली के लोगों में क्या हो गया, यीशु मुझसे छोटा, इसलिए बोलते हैं ना बाल यीशु, और मरियम को मादा मरियम, मतलब किसका मादा, देव मादा। देखा मतलब मरियम को बड़ा देखने लगा और यीशु का मतलब परमेश्वर को नहीं मानने लगा, अब उसका सीरियसनेस समझ में आया। पर तो यहां पर इसलिए बोलता है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, देखा प्रियो वो परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उन लोगों ने बोला वो मरिया का बेटा है, वो मरिया का बेटा है क्या, नहीं। देखा इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने इसी प्रकार मतलब आपको मालूम है उस समय तक उनका संज्ञा भी बढ़ता गया,
बहुत ज्यादा उन लोग आगे बढ़ने लगा, परंतु मतलब हृदय में प्रभु को कोई स्थान नहीं, उस जगह में मरियम को स्थान है। अभी भी आप देखो, अभी भी आप रोमन कैथोलिक लोगों के बीच में जाएगा तो आना, वो प्रभु यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, मरियम के बारे में कहने के लिए मतलब मानने के लिए तैयार है। आप लोग थोड़ा बोलकर देखना, बिल्कुल उन लोग बिल्कुल मरियम को ही ज्यादा महत्व देता। देखा भैया है क्या हो गया, मतलब उन लोगों कैसा फिसल गया, कहां पर धोखा खाया। अभी प्रभु को क्या देखता, प्रभु हमारे दिल देखता, हमारे दिल में किसको स्थान है वो स्वर्ग देखता। जब शमूएल जब दाविद को मतलब आलय करने के लिए गया, उसको अभिषेक करने के लिए गया, उस समय में शमूएल ने सोचा ईसाई का बेटा एलिया मतलब बड़ा है, बड़ा बेटा है, नॉर्मल लीडी में बड़ा बेटा को ये पद मिलना चाहिए, और देखने से भी वो अटकता है, मानव साइज बड़ा है, इसलिए उन्होंने सोचा चलो इसके अभिषेक करते हैं। तो प्रभु कहने वाला एक शब्द है, आपको याद होगा, पर शमूएल उसका 16 अध्याय उसका साथ हो जाए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसको अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य देखा, यहोवा की देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत बार बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी वो प्रभु से आशीष क्यों नहीं पाता, क्योंकि उनका मन में प्राप्त करने के लिए तैयारी नहीं, प्रभु को पाने का इच्छा में नहीं आता। देखिए प्रभु हरेक लोगों का मन जानता है, अरे हमारा पूरा अवस्था प्रभु जानता है। अभी भी आपको मालूम है जब अब्राहम ने हागार को मतलब तो चपाती और एक बोतल पानी देकर बोला जाओ अभी वो लोग मरुस्थल में घूमते घूमते पानी भी खत्म हो गया, चपाती भी खत्म हो गया, अभी रोने लगा। तब प्रभु का मतलब वहां पर प्रकटीकरण हुआ, तब हागार कहने वाले एक शब्द है, हागार ने भी कभी नहीं सोचा, लेकिन प्रियो हागार बोलता है जब उत्पत्ति किताब उसका 16 अध्याय का 13 वचन, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एलोई रखा रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई। देखा मतलब मैं उधर स्वामी के घर में देखा वो, उसको मैं इधर भी देखता हूँ, मतलब प्रभु मुझे देखता है तो मुझे क्या चिंता करना, मुझे क्या टेंशन लेना। हाँ जी भी बहुत प्रभु में आने के बाद उद्धार पाए हुए लोगों में से कई लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम में तक प्रभु मुझे देखता है, मेरा दिल की अवस्था देखता है, मेरा पूरा जीवन को जानता है, इस बात का समझदार एक करके बैठता है। कितना दुख की बात है भाई, हमें ये बात को जानना है, हमारे प्रभु प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हरेक लोगों का दिल देखता है, वो क्या चाहत के साथ आया है। प्रभु हम अच्छा ड्रेस पहन कर आया है कि नहीं वो नहीं देखता, प्रभु हमारे दिल की तैयारी को देखता। मैं 2-3 वचन में उसके लिए जेरेमिया उसका 11 अध्याय का 20 वचन पढ़ना, जेरेमिया उसका 11 अध्याय का 20 वचन, परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों को बातों के ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। क्योंकि वो प्रभु क्या करता, अंतकरण की बातों को जानता। अंदर उसका 20 अध्याय है, उसका 17 जो अध्याय पढ़ना, मन की खोजता प्रभु मन को खोजता, बहुत बड़ी बात है। उसका 20 का 12 वचन भी पढ़िएगा, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। देखा हृदय और मन के, हमारे हृदय में हमारे मन में क्या क्या बात है वो प्रभु जानता है। कितना हम लोग एक बात को जानना, हम कोई मतलब मूर्ति के सामने नहीं आया पियो जो हमसे बात नहीं कर सकता, जो हमें नहीं जान सकता, ऐसा नहीं। हम सच्चा जीवित प्रभु की उपस्थिति में आया, वो प्रभु हमें पूर्ण रूप में जानता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कभी कभी कम से कम पंतर भजन संहिता का 1-6 तक भजन पढ़ करके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि तू मेरा उठना बैठना जानता है,
और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखिए पूरा चाल, आज सुबह उठने के समय से लेकर के आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, आपने मतलब कैसे कैसे कार्य किया, सब जानता है ना प्रभु, है ना। पर जो हम लोग शाम के टाइम पर प्रभु को वस्त्र में वो अपने आप को भक्त दिखा करके आ गया, पर जो हमारा दिन भर का जीवन प्रभु का भय में नहीं था, प्रभु के सामने नहीं था, प्रभु मुझे देखता है करके एक बार भी सोचा भी नहीं, ऐसे बातें बोला, ऐसे काम किया। आज भी इधर कितने लोगों ने मोबाइल में क्या क्या देखा होगा, है ना, आंखों से किया हुआ उस पाप को कबूल किया, मन मेरा नहीं बना, ऐसे ही आ गया। देखा प्रभु हमको देखता है, हम काम पर आ गया, हम नहीं जानता ना इसराइल की कष्टों के बारे में, मोशे को बोलने के टाइम पर प्रभु कहने वाला, प्रभु सबको देखता ही रहता है भी। निर्गमन का किताब उसका तीसरा अध्याय का 7 बजे फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, निश्चय देखा, मैं देखा, देखा मैं देखा, मैं उनका कष्ट देखा, उनका रोना सुना मैं जानता हूँ, प्रभु जानता है भी। हमारा यहाँ प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ हम सबको प्रभु जानता है ना, कितना बड़ी बात है, हमारे पूरे जिंदगी को प्रभु जानता है। कई बार कई लोग कई बात प्रभु की उपस्थिति में कहता है परंतु उनमें कोई सच्चाई नहीं, प्रियम प्रभु वो सब सुन करके वो प्रभु का दिल को आनंद होता दुख होता ये बात को समझना, है ना। मतलब जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह पत्रोस को 3 बार पूछा, तू मुझे प्यार करता है क्या, है ना। पत्रोस 2 बार बोला, मैं तुझको मुझे तुझे प्रिय है, प्रेम करता नहीं बोला, प्रीति रखता। लेकिन तीसरा बार उसने क्या बोला मालूम है, उसका 17 वचन है ना, योहन्ना उसका 20 अध्याय का 21 अध्याय का 17 वचन उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। पतरस उदास हुआ, उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू तो सब कुछ जानता है, बस ये तो जानकारी होना चाहिए भी। प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं प्रभु जानता है, है ना प्रियो। इसमें कभी भी हम प्रभु से कहते हुए झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए जब प्रभु तेरा मंडली से जब बात करता है तो बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र हूं मैं, मरिय का पुत्र नहीं, है ना। भविष्यताओं के द्वारा कहा हुआ जब यशेर भी कहा उसका 7 अध्याय का 14 वचन इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी, ये कुमारी गर्भवती होगा और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। देखा इसका नाम मरियम का पुत्र है क्या, नहीं। देखिए इतना बड़ी बात है ना, उसका श्रेष्ठता क्या रहेगा, उसका 9 अध्याय ऐसा उसका 9 अध्याय का 6 वचन क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। देखा वो पराक्रमी परमेश्वर है प्रियो, अद्भुत कार्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है ना, उस समय वेतरा मंडली का लोगों ने नहीं जाना। प्रियो हमें ये बात को जानना है, हम लोग जो वस्त्र में आराधना करते हैं हमारे परमेश्वर मसीह कौन है, है वो परमेश्वर है, है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में वो व्यक्तित्व में पूर्ण रूप में परमेश्वरत्व रखने वाला परमेश्वर है वो, है वो पिता से कोई छोटा है क्या, नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसका तुल्य पिता परमेश्वर का तुल्य, ऐसा एक तुल्य परमेश्वर है। इसलिए अभी बहुत लोगों ने अभी रोमन कैथोलिक लोगों ने क्या कर दिया उसको एकदम मतलब छोटा कर दिया, है वो मरियम का पुत्र बोल करके मतलब उन्होंने वो मरियम को मतलब परमेश्वर का मादा कह करके ये किया। जो भी कहीं भी छोटा भी गलती है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में छोटा गलती बड़ा गलती करके नहीं गिरना, गलती गलती है, गलती कोई भी प्रकार का हुआ है तो तुरंत हमें कमोड करके मन फिरना ही चाहिए,
आज शायद बहुत पवित्र लोग रोज इस प्रकार फरकता भी नहीं और कबूल करता भी नहीं हमारे जीवन में। आज बहुत लोगों के जीवन में ना जाने मार आता, मार मिलना चाहिए के लिए, मार मिलना चाहिए ना, मार मिलने के टाइम पर कम से कम परखेगा, अरे मैं कहीं ना कहीं तो मेरा गिल्ट हो गया। कई बार क्या होगा, प्रभु अगर बिल्कुल नहीं मारेगा तो लोग और भी बुरे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में आया वो दिन में हमको पाप क्षमा मिला, वो पाप उस समय की उधार पाने के कोई पापों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, परंतु प्रभु में आने के बाद जो भी प्रकार का एक छोटा झूठ भी बोला है तो उसको कबूल करके मन फिरना है। तो एक छोटा झूठ है उसमें क्या है, ऐसे नहीं सोचना, नहीं तो क्या होगा, थोड़ी समय प्रभु इंतजार करेगा, लेकिन प्रभु पक्का ताड़ना देगा, क्योंकि वो प्रभु का धार्मिक है। दो तीन वचन में आपको मतलब स्मरण के लिए याद रहने के लिए मैं पढ़ाना चाहूंगा, यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 11 वचन का भी पाठ, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। देखा, जो गलती किया गलती के कारण मैं तुझे ताड़ना करते बिना नहीं छोड़ेगा। ओह क्या चेतावनी है, प्रभु में आने के बाद कभी भी हम लापरवाही नहीं करना, कभी भी लापरवाही नहीं करना है, मेरे कमजोरी है ऐसा हो गया ऐसा भी नहीं बोलना है। प्रभु हमें हर बात में सामर्थ्य देकर चलाता है। उसी माना यिर्मयाह उसका 46 का 28 का भी पाठ पढ़ना, यिर्मयाह 46 का 28। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। बोलने का अर्थ क्या है कि मानो गुनाह किया है तो इवन आपने कबूल करके मन फिरा तो भी ताड़ना मिलेगा, देखिए ताड़ना में थोड़ा फर्क रहेगा, पर जो माना ही नहीं है तो ताड़ना सत्य रहेगा, है ना। नहूं भविष्यवाणी का किताब उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन का शुरुआत पढ़ना, पहला अध्याय का 3 वचन, पहला अध्याय का 3 वचन का पहला, विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, निर्दोष नहीं। ऐसा बहुत वचन है, मैं आपको याद आए इसके लिए मैंने ये बात आपको बताना चाहा। प्रियो आज भी कई बार कई लोग अचानक कई प्रकार का तकलीफ में पड़ने का कारण आपने आपका गलती को प्रभु सामने कबूल करके मन नहीं भरा। प्रभु माना हल्का हल्का ताड़ना देता है, उस समय में मन फिरेगा तो भी शायद उसमें मार हो जाएगा, परंतु अगर हम हृदय को कठोर करेगा तो बहुत भयंकर रहेगा। तो यहां पर तू ये तेरा मंडली के बीच में चलने वाला प्रभु उसका वो खूबी वापस 18 वजह परमेश्वर का पुत्र उसका पाव का खूबी क्या है, उत्तम पित्तल। आपको मालूम है ये उत्तम पित्तल किस बात को बोलता है, मालूम है न्याय परमेश्वर को दिया था, जज या न्याय करने वाला परमेश्वर उत्तम पित्तल। आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह ही न्याय है, न्याय करने वाला मनुष्य पुत्रों को न्याय करने का पूरा अधिकार यीशु मसीह को है ना। मतलब यहां पर और कोई भी न्याय नहीं करेगा, इसलिए यीशु मतलब प्रभु को कैसा भय मानना चाहिए, आदर करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद योहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 वचन, योहन्ना पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। देखा, पुत्र को न्याय करने का काम सौंप दिया, प्रियो कितने बड़ी बात है। और पुत्र न्याय करेगा ये बात पिता ने सारी दुनिया को प्रमाणित करके दिया करके बताता है, प्रेरितों का उसका 17 अध्याय है उसका 31 वचन, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर। देखा, मृतकों से जिलाया गया हुआ एकमात्र व्यक्ति वह प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। इसलिए दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन,
दूसरा तिमोथी उसका चार अध्याय उसका पहला वचन, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित हो और मरे हुओं का न्याय करेगा। कौन का न्याय करेगा? प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए पौलुस माना पाना कोरिन्थी सॉरी दूसरा कोरिन्थी 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। देखा, मसीह की न्याय आसन के सामने सब मनुष्यों का सारे बात खुल जाएगा। हम लोग सब अभी आप सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लोगों का जो न्याय है जजमेंट है वो आपको नरक में डालने के लिए नहीं। ऐसे नहीं है कि कई लोग क्या सोचता है हमारे लिए मानव दंड की आज्ञा नहीं लेकिन न्याय है। ये फर्क विश्वासी लोग जानना। ये प्रभु ने हमको मतलब दंड से बचा लिया। अगर आपने उधार पाया है तो आपको दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा का मतलब स्वयं सिंहासन पर आपका न्याय नहीं। स्वयं सिंहासन के सामने जो भी जाएगा मतलब स्वयं देखो अभी मतलब अभी तो लोगों का न्याय यहां मर रही। देखो क्या बोल गया है जजमेंट सीन ऑफ क्राइस्ट। देखा ये यहां पर किस लिए ये न्याय उनमें से एक भी नहीं बचेगा। इस न्यायासन के सामने आने वाला एक भी नहीं बचेगा। सब कहा जाएगा? सीधा देखो इधर से जाने वाला सब उधर से सीधा ही जाएगा। अनंत काल का उस आग में आ पड़ेगा। तो मेन बात क्या है कि हम लोगों को न्याय है। हमें न्याय है, दंड की आज्ञा नहीं। जैसा मतलब रोमियों 8 का फल में लिखा ना, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बोले का अर्थ ये श्रेय सिंहासन के सामने का वो जजमेंट नहीं, परंतु हमें न्याय है। वो प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने है। वो किस लिए है? हमें प्रतिफल देने के लिए। हमने जो भी हमने किया उस बातों का प्रतिफल आने के लिए प्रभु हमें ये करेगा। प्रियो उधर ही मान पड़ेगा हम लोग वास्तव में दुनिया में प्रभु के सामने कैसा जीवन बिताया, मसीह में कैसा जीवन बिताया, उधर ही वो सारे बात वो न्यायासन के सामने खड़ा होने के टाइम पर भी हम लोगों की अवस्था नहीं पहचानेगा। क्योंकि बहुत लोग मानो ट्रक भर करके लाएगा। क्या है बंडलबाजी? लकड़ी घास भूसा का क्या होता? अब देखो मैंने 10 ग्राम सोना उसका देगा तो कितना ट्रक भूसा मिलेगा? नहीं समझा? और तो 10 ग्राम आप सोना लेकर जाएगा तो मिट्टी के अंदर आएगा। अभी बहुत लोग उनके पास कुछ भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पॉकेट में हाथ में है, है वो क्या है? सोना है। बहुमूल्य वस्त्र मोती है, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ का दाम का। 200 करोड़ तो कितना भूसा का गाड़ी मिलेगा? गिनती नहीं, वो एक एक लोगों का ट्रक वो सारे ट्रक आग में अंदर जाएगा, ठूम एक आवाज आएगा। वो व्यक्ति भी बोलेगा अरे यार वो बहुत वो जब तक परका नहीं जाता था तब तक वो थोड़ा घमंड करके खड़ा था, तुम लोग क्या है मेरा देख इतना ट्रक है। परंतु जब न्यायासन के सामने से जब जाएगा एक बूम आवाज आएगा। क्या हो गया? जल गया। और उधर राख किसका हाथ के लिए? उधर केड़ा का पेड़ भी नहीं। कोई पेड़ को दे दे। देखा, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हम क्या पाने के लिए जा रहा है ये बात को हमें जानना है। यीशु मसीह सबका न्याय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन की किताब आखिर में क्या बोला उसका 22:12 प्रकटीकरण 22:12 शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा प्रियो, हर एक लोगों का एक लोगों का काम के अनुसार उसको बदला देने के लिए प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है। मतलब हमको लेकर जाने के बाद में हमको सबको वहां पर न्याय होगा। हमारे हर एक काम के अनुसार प्रभु न्याय करेगा। तो यहाँ पर उसका 19 मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम
और विश्वास और सेवा और धीरज धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। हाँ, देखा, ये बात बहुत बड़ी बात है। ये मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर उनका काम पहले से बहुत बढ़कर है। और इवन जो एफेसोस मंडली में जो घटी था वो घटी उस रीति में यहाँ पर नहीं था। एफेसोस मंडली का घटी क्या था? प्रेम में घटी था, है ना? दूसरा अध्याय का 4 वचन में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर उन लोग उसी में भी बढ़कर है। अभी आप देखिए ये कितना मतलब अच्छा गुण है, बहुत जगह पर अच्छा अच्छा गुण रहता है, पर तो मतलब उस गुण के कारण बहुत ज्यादा कार्य बढ़ता है, पर तो उसमें जैसा प्रभु सोचता है उस प्रकार का क्वालिटी नहीं, क्वालिटी बहुत बढ़ता है ना। अभी आपको मालूम है ये यहाँ पर है ना, उनका प्रेम बढ़ गया। वो मतलब कैसा प्रेम है, किस प्रकार का प्रेम था, वो कैसा प्रेम किया, ये बात जानना जरूरी बात है। साधारण दिल में हमको प्रेम बोलेगा तो एक ही प्रकार का प्रेम है ना, ईश्वरीय प्रेम नहीं तो, पर जो ग्रीक शब्द में उसके लिए 4 प्रयोग दिया है। आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम है, आप लोगों को कुछ नया लोग नहीं सुना होगा, है ना? उसमें ग्रीक में प्रेम जो अर्थ आने वाला 4 पद है। एक है एरोस, है ना, ERROS, एरोस। ये शारीरिक संबंध का प्रेम है, मतलब जैसे अभी एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता, वैज्ञानिक प्रेम, किसको क्या बोलता, शारीरिक प्रेम, है ना, शारीरिक प्रेम, इसको बोलता है एरोस। वो प्रेम से हमें आनंददा में फायदा है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, दूसरा है स्टोर्ज, ये मतलब अपना पारिवारिक रिश्ते का प्रेम। अभी आपको मालूम है कुछ भी हो, लोग आपस में एक ही परिवार का है तो मतलब बिंदु लोगों के साथ एक प्रेम देता, वो मतलब एक अलग दर्जे का रहता, उसको उस प्रेम को बोलता है स्टोर्ज, STORGE, स्टोर्ज, है ना मतलब। और तीसरा प्रेम है फिलिया। फिलिया प्रेम क्या है? ये मतलब मित्रों के आपस का प्रेम। आपको मालूम है मित्रों का आपस में, अभी योनादान के साथ दाविद का साथ योनादान का दिल इतना मन इतना मिल गया, वो एकदम मतलब बहुत प्रेमी हो गया, वो मित्रता का प्रेम है, उसको बोलता है फिलिया, PHILI, PHILIA, फिलिया। देखिए मतलब, परंतु एक चारवाई प्रेम है, वो है अगापे। देखिए अगापे प्रेम, AGAPE, अगापे प्रेम, ठीक है ना। ये ईश्वरीय प्रेम है, ये मतलब दिव्य प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। तो इस प्रेम, अभी सबसे बड़ी बात है, प्रभु के लोगों में कौन सा प्रेम कार्य करना चाहिए? अगापे प्रेम। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अपन जब भी मिलता है एक स्माइल भी करेगा तो वो स्माइल कैसे होना? अगापे प्रेम से। हाँ, अगापे प्रेम से, दूसरे कोई मतलब लेकर के नहीं, अगापे प्रेम। क्यों? क्योंकि रोमियो 5:5 में हम जानता है हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम हमारे दिल में कुंडेला है, डाला है। उस प्रेम में हमारा हर एक कार्य, प्रभु में आने के बाद हम अपनी तरफ से कुछ निकालना नहीं, अपनी तरफ से प्रभु हर एक काम, हमारा सामर्थ्य का व्यवस्थित क्या है? प्रभु होना चाहिए, है ना। फिलिप्पियों 4:13 में प्रभु ने क्या और उसका बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मतलब मेरे सामर्थ्य का स्रोत प्रभु है। हमारा हर एक काम, इस विषय में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु की आत्मा पाया, आत्मा का फल क्या? प्रेम। आत्मा का फल प्रेम। अरे एक रोज विश्वासी लोग कम से कम ये परखना चाहिए, है ना, मैं प्रभु की आत्मा पाया है तो वो प्रेम मुझे अंदर है क्या, है ना। आपको मालूम है सबसे श्रेष्ठ है प्रभु का दास वरदानों के बारे में, है ना, प्रेम की वर्णन सब करने के बाद में पहला कुरिन्थी 13:13 में क्या बोलता, सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रेम है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उस प्रेम, ये प्रेम अगर हमारे में कार्य करता है तो कोई भी प्रकार हो व्यक्ति को मसीह से दूर नहीं कर सकता।
ये सबूत है कि हम पौलुस रोमियो 8 अध्याय का 35 से उसका 39 तक है ना वचन में इतना दावा करके बोलता है, आपको सबको याद है ना, एक बार नया लोगों के लिए पढ़िएगा। कौन आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसे उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय देखा उन्होंने अपना व्यक्तिगत रीति में वो बोलता है मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु न जीवन न स्वर्ग दूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। मतलब बोलने का अर्थ कभी नहीं कर पाएगा, ये सच्ची बात है। तो इसलिए हमें हरेक दिन अपने आप को यूदा का शब्द में बोलेगा तो यूदा उसका 21 वचन पढ़ना, यूदा उसका 21 वचन अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बहुत बड़ा सावधानी की बात है, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। प्रिय बहुत बड़ी बात है, हमारा रोज सवेरे शुरू होते ही मैंने आपको कई बार बताया सवेरे उठते क्या करना चाहिए, प्रभु को देख करके एक स्माइल करता है कि नहीं, कई बार बताया कितने लोग करता है, नहीं करता बहुत लोग करना चाहिए क्योंकि नींद कौन दिया, प्रभु ने दिया था। प्रभु इतना अच्छा नींद देख करके आपको कोई बीमारी ना होते हुए सही सलामत सुबेरे उठने दिया, अपन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं, वहां से हमारा प्रभु के साथ का संबंध मजबूत होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अब अभी तक मैं सोया पर तो आप सोया नहीं, आप मेरा रक्षा किया है ना, मेरे को कुछ मुसीबत आने नहीं दिया प्रभु, और भी आपकी संगति में लेकर एक दिन और बिताने के लिए आपने मौका दिया, हम कितना आभारी होकर के प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए अनेक बातों में। तो यहाँ पर मतलब मंडली इतर मंडली का विशेष था उसका 19 वचन और एक बार पढ़ना, मैं तेरे कामों तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, बढ़कर है, देखो प्रियो ये कितना अच्छा गवाही है, तेरा पिछले काम मतलब अभी तुम पहले से बढ़ करके प्रभु में उन्नति में है, बढ़ रहा है, फिर आज हमारे जीवन में कैसा है प्रभु का काम। बहुत लोग बोलता है कि वो पहले मेरे को बहुत उत्साह था पर जो अभी वो उत्साह बुझ गया, ऐसा है क्या नहीं, नहीं प्रियो, बहुत लोग अच्छा आरंभ करता है लेकिन उसका आखिर बहुत खराब निकलता, ऐसा होना चाहिए नहीं प्रियो, हमें इतना और भी अधिक बढ़ना चाहिए। एक तो हम प्रभु के आगमन की इतना निकटता में है तो प्रभु के प्रति कामों में मैंने कुरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन में लिखा है प्रभु के कामों में बढ़ते जाओ, प्रियो बाकी बातों में नहीं, वो वचन पढ़ना आप लोग, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्यों, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, प्रियो प्रभु में जो परिश्रम करेगा शायद कई बार लोग सोचता होगा प्रभु का काम हमारे पीछे नहीं लेगा, प्रियो इसका गुण मान विषय आपको बताता है, आप उधर जाने के लिए और बोलेगा आप हमको लाठी भी मार देता, हमको तो थप्पड़ भी मार देने था, वो सब उतनी बोलेगा ये नहीं बोले प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना, अपन क्यों बोलता है प्रियो, देखो आप ये दुनिया में प्रभु के प्रति प्रभु के लिए जो भी एक्चुअली मतलब हमें कितना समर्पण के साथ हम इतना आशीष पाए लोग है ना, असंभव को प्रभु ने संभव करके हमको बचा लिया, हम उदार पाए हुए लोग, देखो ना ये उदार का शब्द सुनने से लोग डर जाता है, लेकिन हमें मुफ्त में मिला, पूरा कर्ता यीशु मसीह ने निभाया है, और वो विश्वास करके प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, कितना धन्य लोग है ना, ये वचन को प्रभु ने वचन हमें तक पहुंचाया, हम कितना आभारी होने चाहिए। विश्वास में आने के बाद में हमेशा जब दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 5 वचन में और रोज कहता है कि तो अपने आप को परखना,
क्या परग्रह? विश्वास में हो कि नहीं? विश्वास में हो कि नहीं प्रियो? विश्वास में है कि नहीं परग्रह है प्रियो? हमारा विश्वास ही जीवन में वादा आ सकता है, हमारा विश्वास ही जीवन में टोकर खिला सकता है, हमारी दौड़ में कई प्रकार का वादा आ सकता है, लेकिन हमें परखना है पे विश्वास में है कि नहीं, है ना। विश्वास से निकल जाएगा तो भी लोगों को नहीं मान पड़ेगा, ऐसे होगा तो फिर क्या होगा? धोखा हो जाएगा, है ना। इब्रानियों 3:14, इब्रानियों 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रियो, हमें पहला विश्वास में अंत तक बना रहना प्रियो, है? विश्वास में से कभी पीछे नहीं जाना। हमारे अनेक बातों में आज आपको मालूम है, बहुत लोग जाने अनजाने बहुत प्रकार का पापों का शिकार बन जाता हूँ। ऐसा भागते भागते एक दो बात में आपको इसी प्रकार याद दिलाऊंगा, जब याकूब 4:17 में क्या लिखा, जो भलाई करना जानता है तो भी वो नहीं करता तो उसके लिए वो पाप गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? पाप। देखा, आपने कुछ पाप नहीं किया लेकिन आपने भलाई नहीं किया, जो मतलब निभाना चाहिए था वो नहीं किया, वो पाप गिना जाएगा। देखो है, इवन रोमियो 14:23, आप देखिए, जो विश्वास से नहीं आता सब पाप है। आप यहाँ पर कैसे आए बताओ मुझे? आप यहाँ पर कैसे आए? विश्वास से आया क्या? पर जो कई लोग मानो सच में मानो विश्वास से शायद नहीं आया, तो अभी वो भी पाप में, बताओ कैसे आना चाहिए? मैं प्रभु की उपस्थिति में जाता है तो प्रभु जरूर मेरे से बात करेगा और मेरा जीवन बदलेगा और मैं प्रभु के साथ और भी लिपट जाएगा और भी मैं प्रभु का महिमा का जीवन बिताऊंगा, प्रभु के प्रेम में मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा, प्रभु का सत्य वचन को मैं ग्रहण करेगा, ये मैं दिल की पटरी पर मतलब एकदम बांध कर दूंगा। देखो सही में ऐसा सच्चा निर्णय के साथ जब आता है प्रभु उस व्यक्ति की अवस्था जान करके उनसे बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह मतलब जब भी प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हम लोग इस प्रकार का प्रार्थना से आना चाहिए, प्रभु कहना मेरे से कहना मैं तेरी वाणी को मानने के लिए तैयार है। आज कई बार हम वजन सुनता है पर तो वो वजन शायद हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है तो हम त्याग देता, ऐसे भी पाप करता है। जब हम वजन सुनता है, जब याकूब उसका पहला अध्याय है उसका 22:23, वजन पर चलने वाले बनो, वजन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, अपने आप को धोखा देता, धोखा पाप है कि नहीं? देखो है, इसके मतलब इन दिनों में प्रभु ने हमें कितना प्रकार वजन से बात किया, कितना सरल रूप में प्रभु ने एक एक बात हमको समझाया, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार है क्या? मैं बोला ना, जो प्रभु को नफरत है वो हमें भी नफरत करना, प्रियो नफरत करना। ओ नहीं नहीं, हम ऐसे करते आया अभी क्या करूं? अरे अभी सच्चाई जान रहना छोड़ो। जब प्रभु के वचन में लिखा हुआ बात उसको मानने के लिए हमें उत्साही चाहिए, प्रभु के वचन से वो प्रकाश मिलेगा। तो इसलिए ना, जब देखो अभी मतलब बड़ा जागृति आया हुआ मार्टिन लूथर के बारे में हम सीखने जाएगा, लेकिन मार्टिन लूथर जब सीखने के टाइम पर मतलब बड़ा जागृति आया पर उनको विश्वास की बपतिस्मा के बारे में प्रकाश नहीं था, वो अभी भी चटका हो जाता था। देखा है, पर उनके मिला हुआ प्रकाश में विश्वास के द्वारा ही उधार है ये उन्होंने घोषणा करके बड़ा जागृति लाया, पर वो आगे नहीं बढ़ा। समय समय पर प्रभु प्रकाशन देते रहता प्रियो, उसके लिए एक एक लोगों को इसके बारे में जॉन वेस्ली उनके जैसा कुछ लोगों को बैप्टिस्ट मिशन, इसलिए उसको बैप्टिस्ट मिशन बोलता, डुक्की सभा उनको मिला। नहीं नहीं, सिर्फ उदार का ही उसमें सीमित नहीं, जो विश्वास किया वो बपतिस्मा भी लेना चाहिए, उसका प्रकाश बढ़ गया। तो समय समय पर प्रभु ने एक एक लोगों को खड़ा करके उसका प्रकाश देते रहा, तो ऐसे उसके अनुसार वो बढ़ते गया। प्रयोग अभी हम लोग एकदम एंड टाइम में है, तो हम लोग इस वजन को इस रीति में सीखने का कारण क्या है
वजन जो भी कहेगा पूरा दिल से मानने के लिए सब लोग तैयार है रबी। जो भी हमारे जीवन में वजन के खिलाफ में जो भी है, इवन किसी को अगर समझा नहीं है पक्का पूछना, मैं आपको बहुत प्यार से वो बात को समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रार्थना के साथ बहुत तैयारी के साथ आप कोई भी बात का, इवन अगर आप कोई मेरे को मतलब मीटिंग के बाद में भी पूछेगा तो मैं सबके लिए वो ओपन भी सबको बोलूंगा, जिसने पूछा सवाल नहीं पूछ बोलूंगा, किसने पूछा वो भी नहीं बोलेगा, है सर। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका दिल में थोड़ा भी डाउट ना रहे, क्योंकि ये वजन को वजन में थोड़ा भी मिलावट नहीं करना, सत्य वजन को थामा रहना, वजन के अनुसार हमें जीवन को तैयार करना। इसलिए अभी माना जो भाग है बहुत डेंजर भाग है, 20 वजन से हम लोग माना प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल देखेगा, क्योंकि आप लोग उस पर ध्यान करना, आप लोग उनसे भी प्रभु बात करेगा, ऐसे एक बार पढ़कर काम करेगी वो 20 वजन। मैं खुद तेरे विरुद्ध ही हताना है हाँ, कि तू स्त्री इज़राइल को रहने देता है हाँ, जो अपने आप को भविष्यवक्ती करती है हाँ, और मेरे दासों को व्यभिचार करने हाँ, और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाकर बरमाती है। ओ देखा, अभी आपको मालूम है बाइबल में कहा हुआ सबसे गंदा पात्र, क्या बोल सकता हूँ उसको, सबसे दुष्ट बात कौन है, इज़राइल है। इसका मतलब ये मंडली में वो इज़राइल वो मंडली में नहीं था, इज़राइल का स्वभाव का था ना, उसको मैं डिटेल से समझना। आज हम बहुत लोगों के बीच में इस इज़राइल का कार्य को मैं आपको प्रभु कृपा से, आज प्रभु का आगमन नहीं हुआ कल आपको दिखाएगा, ये बातें समझने के कारण हमको भी बड़ा डर लगता है प्रियो, प्रभु ने हमें कैसे ऐसे बातों से बचाया, बहुत अद्भुत बात है प्रियो, है ना, इज़राइल से बचकर रहना प्रियो। प्रभु बिल्कुल इज़राइल को नहीं मानता और प्रभु की दृष्टि में वो बहुत बड़ा प्रभु का क्रोध का पात्र है, इसलिए आप लोग ध्यान करके आना पूरा बाकी भावों को है, तो जरूर मैं आशा करता हूँ प्रभु हमारे लिए कितना चाहता है प्रियो। मंडली कैसे होना चाहिए प्रियो, मंडली हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए चुना हुआ है ना, आज भी मंडली के लिए प्रभु माना घर माना भवन तैयार कर रहा है और मध्यस्थी कर रहा है और आने वाला है मंडली के लिए, सब बात मंडली के लिए, मंडली प्रभु का दृष्टि में बहुत मूल्यवान है, इसलिए प्रभु ने हमें मंडली का भाग बनाया, हम लोग कितना धन्य है प्रभु का, मंडली का हम एक सदस्य है, तो वो मंडली कैसे होना चाहिए प्रभु, प्रभु के योग्य होना चाहिए, हमारा प्रभु के योग्य होना चाहिए, आइए प्रियो प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करें, है ना, सही में मैं अगर उद्धार पाया है तो मैं प्रभु का मंडली का एक भाग है, अपन हरेक पवित्र लोग देखना मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, क्योंकि उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु प्रतिदिन मंडली में मिला था, कौन मिला था, प्रभु मिला था, मंडली किसका, प्रभु का मंडली, मतलब मंडली में मिलने का योग्य था उद्धार पाना, उद्धार कौन करता, प्रभु करता, ओ कितना अनोखा बात है, इसलिए ये सही रीति में जानकर एक सही प्रकार का जीवन बिता कर, है ना, प्रभु को महिमा करना, तो प्रभु के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।